वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम इसके एडवांस इंफो है। तो आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, इस पर्टिकुलर एरर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी लोग जो है अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जिन्होंने मुझसे भी काम करा है, जो मेरे क्लाइंट है, वो भी जो है मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कॉल भी करके मुझसे पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सर इस पर एक आप सेपरेट वीडियो बना के हम सबको बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ इस पर्टिकुलर एरर के बारे में। ऐसा नहीं कि पहली बार एरर आ रहा है, काफ़ी बार आ चुका है। और आज से अगर मैं बात करूँ जो है 2 से 3 हफ्ता पहले भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, जिसपे मैंने अब वीडियो अपलोड किया था। इनफैक्ट मैंने जितने भी ग्रीवेंस रेज किए थे उस सारे जो है ग्रीवेंस के जो है मैंने जो है रिस्पॉन्स भी बताया, रिप्लाई भी बताया फ्रॉम EPF डिपार्टमेंट विद प्रूफ के साथ। ओके, तो ये एरर क्यों आ रहा है, हमें क्यों दिख रहा है पर्टिकुलर एरर, हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एक सिर्फ टेक्निकल एरर है। ओके, जब आप क्लेम अप्लाई करते हैं, ओके, और क्लेम अप्लाई करने के बाद जो है आपको 1 से 2 हफ्ते के बाद बार बार कंटिन्यूस आपको ये जो है SMS आता है फ्रॉम EPF डिपार्टमेंट स्टेटिंग दैट कि आपका क्लेम हमने जो है सेटल कर दिए है। ओके, और शॉर्टली सेटल हो जाएगा आपका क्लेम, अंडर प्रोसेस है। तो आपको कुछ घबराना नहीं है गाइज। ओके, शॉर्टली सेटल हो जाएगा, इट मीन्स कुछ समय में जो है सेटल हो जाएगा। बट अगर आपको कंटिन्यू मैसेज आ रहा है और कम और आपका क्लेम को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ओके, जैसे कुछ केस में तो मुझे बताया जा रहा है कि 1 महीना हो गया, इन दैट केस मैं यही कहूँगा कि आप ग्रीवेंस रेज कीजिए। ओके, अगर ऐसा कुछ केस है जहाँ पे 1 मंथ हो चुका है और जो टाइम है ज़्यादा काफ़ी क्रॉस हो चुका है, सो इन दैट सिचुएशन आई सजेस्ट यू टू रेज ग्रीवेंस। ओके, एडवाइस करूँगा मैं, तो आप रेज कर सकते हैं। और जो भी रिप्लाई आया है, रिस्पॉन्स आया है मुझे, मैं जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ आई बटन पे है, अगर आप चाहें तो देख लीजिए क्या रिस्पॉन्स आया, क्या रिप्लाई है फ्रॉम EPF डिपार्टमेंट, जो मैंने आज से 2 से 3 हफ्ता पहले आई थिंक वीडियो मैंने अपलोड किया था। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट।